उपचुनाव में राहुल गांधी के राइट हैंड ने भाजपा को 12 वोटों से हराकर गाड़े जीत के झंडे। जश्न में डूबे कांग्रेस के कार्यकर्ता। नगर परिषद में रिक्त पड़े पार्षद पद के लिए हुए चुनाव के परिणाम की घोषणा शुक्रवार को कर दी गई है। मतों की गिनती सरदारपुर के शासकीय स्कूल में हुई, जहां पर अधिकारियों द्वारा परिणाम की घोषणा करते हुए कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह को 12 वोटों से विजय घोषित किया। पूर्व में भी यहां पर कांग्रेस का ही उम्मीदवार विजयी हुआ था। दरअसल सरदारपुर नगर परिषद के वार्ड क्रमांक 7 के पार्षद प्रथम गर्ग की सड़क दुर्घटना में कुछ माह पहले निधन हो गया था, जिसके कारण ही पार्षद पद रिक्त हो गया था। ऐसे में यहां पर उपचुनाव की प्रक्रिया निर्वाचन टीम द्वारा करवाई गई। यहां पर भाजपा कांग्रेस के साथ ही निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में था। यहां पर 13 जून को पार्षद पद हेतु मतदान हुआ था। सरदारपुर परिषद का सबसे छोटा वार्ड होने के कारण महज 20 मिनट में ही परिणाम की घोषणा हो गई। पार्षद पद हेतु उपचुनाव की मतगणना में कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह सोनेर को 53 वोट, भाजपा प्रत्याशी विजय गर्ग को 41 वोट एवं निर्दलीय प्रत्याशी गोपाल गर्ग को 33 वोट मिले। इस प्रकार कांग्रेस प्रत्याशी अमर सिंह सोनेर 12 वोटों से विजयी हुए हैं। उपचुनाव के बाद नगर परिषद सरदारपुर में कांग्रेस ने अपने पार्षदों की संख्या यथावत रखी है। इधर परिणामों की घोषणा के बाद कांग्रेस नेताओं में खुशी की लहर है। प्रत्याशी का स्थानीय नेताओं द्वारा स्वागत किया गया। क्षेत्रीय विधायक प्रताप ग्रेवाल ने मुंह मीठा करवाकर प्रत्याशी को शुभकामनाएं दी। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हैं, समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।